Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका NBCN News पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। ACB के बाद राजस्थान में आज ED एक्टिव हो गई है। कहा जा रहा है कि जल जीवन मिशन घोटाला मामले में ED की टीम 25 जगहों पर छापेमारी करी है। यूपी के नोएडा में यथार्थ अस्पताल में सर्विस लिफ्ट गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं। लगभग 4 फुट नीचे आने के बाद लिफ्ट खराब हुई है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। ईडी की छापेमारी पर दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा कि छापेमारी सिर्फ लोगों को परेशान करने का एक बहाना है। अमेरिका ने रूस को बड़ा झटका दिया है। उसने रूस को सहायता प्राप्त करने से रोकने के लिए तुर्की, चीन और UAE की 130 कंपनियों और लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। रीवा में वह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वह कबीरधाम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रायपुर में वह बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों की 34 सूची जारी की है। टोडा भीम विधानसभा से रामनिवास मीना को टिकट दिया है। मीना ने कल रात ही बीजेपी ज्वाइन की थी। सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि गुरुवार को संसद की एथिक्स कमेटी के सामने उनसे बेहद निजी सवाल पूछे गए। इस दौरान बीजेपी की महिला सांसदों ने चुप्पी साध रखी थी। भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गुलजार दिख रहे हैं और जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार की ओपनिंग हुई है। शेयर बाजार की ओपनिंग में आज BSE का सेंसेक्स 364 अंक या 0.57% की बढ़त के साथ 64,444 के लेवल पर खुला है। एप्पल विवाद पर IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार चाहती है एप्पल स्पष्ट करे कि क्या उसके प्रोडक्ट सेफ है और 150 से अधिक देशों में लोगों को चेतावनी संदेश क्यों भेजे गए। मराठा आरक्षण को लेकर संजय राउत ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मांग की है कि संविधान में संशोधन कर मराठा को आरक्षण दिया जाए। महाराष्ट्र के 4 मंत्रियों ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे से मुलाकात की और उनसे 9 दिन से जारी अनशन खत्म करने का अनुरोध किया। जरांगे ने उनकी बात मान ली। मुंबई में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए BMC ने MPCP को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके तहत अब उसने सरकारी और निजी कंपनियों को नोटिस भेजा है। भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने श्रीलंका 302 रनों से हराया है। श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए श्रीलंका के खिलाफ तूफानी बैटिंग की। अय्यर ने 56 गेंदों का सामना करते हुए 82 रन बनाए। फिल्म टाइगर 3 12 नवंबर को रिलीज हो रही है। सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ साथ इस बार फैंस इमरान हाशमी के लिए भी एक्साइटेड है। बिग बॉस के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट अंकिता और विक्की को लेकर एक शॉकिंग खबर आ रही है। शो के नए प्रोमो के मुताबिक एक चौंकाने वाली वजह के चलते इस जोड़ी को शो से बाहर किया जा सकता है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिनमें वो किश्ती में बैठी गहरी सोच में डूबी नजर आई। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBCN News। नमस्कार।